हाय एंड वेलकम टू माय लेक्चर नंबर 11। और आज जिस कार्ड को हम इंटरप्रेट करेंगे वो है द हायरोफेंट। मैं हूँ सुरभि गोयल और आज हम इस टैरो कार्ड लेक्चर की सीरीज को और आगे लेकर चलते हैं और बात करेंगे द हायरोफेंट के बारे में। हायरोफेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो इस कार्ड का मीनिंग समझते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस शब्द का मतलब नहीं पता होता है। आपने देखा है, हम मजाक में बोल देते हैं, कोई ज्यादा हमें ज्ञान देता है, कोई ज्यादा अच्छी अच्छी बातें समझाता है, तो हम मस्ती में बोल देते हैं ना कि अच्छा ठीक है ज्यादा प्रवचन मत दो। तो वो तो हम मजाक में बोलते हैं कि ठीक है मुझे ज्यादा प्रवचन मत दो, बट एक्चुअली जो लोग प्रवचन देते हैं, जो स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल टॉकर्स होते हैं, जो हमें एक्चुअल प्रवचन देते हैं, प्रवचन इज नॉट अ बैड वर्ड, जो अच्छी ज्ञान की बातें बताते हैं, उन लोगों को कहते हैं द हायरोफैंट। अब इस कार्ड का मतलब समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर है वो है 5, मतलब मर्क्यूरी का नंबर। अगर ये सब आपने शुरू से सीरीज नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़ लीजिए, सो दैट आपको कलर्स, नंबर्स, ये सब चीजें प्रॉपरली समझ में आ पाए। तो मर्क्यूरी का जो नंबर होता है, मर्क्यूरी क्या देता है? इंटेलिजेंस, मतलब ये जो पर्सन है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है मर्क्यूरी का, ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव टैरो कार्ड है, इसलिए हम सारी अच्छी क्वालिटीज लेंगे मर्क्यूरी की। सबसे पहली चीज हुई इंटेलिजेंस, दूसरी चीज हुई मर्क्यूरी का डायरेक्टली मतलब होता है कम्युनिकेशन से, तो दूसरी जो चीज हुई यहाँ पर वो है कम्युनिकेशन, मतलब इस इंसान की कम्युनिकेशन, बात करने की जो क्षमता होती है, दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का जो पावर होता है, दैट इज सुपर्ब। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस, विटी है ये पर्सन, कॉमन सेंस बहुत अच्छा है, जनरल सेंस बहुत अच्छा है, नॉलेज बहुत अच्छी है, बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी है इस पर्सन के अंदर, ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा है यहाँ पर, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दो पिलर्स बने हुए हैं, ये हो गया पिलर ए और ये हो गया पिलर बी। यहाँ पे दो पिलर्स बने हैं जिनका कलर ब्लैक नहीं है, कोई नेगेटिव शेड नहीं है, तो ये अच्छे सुंदर पिलर्स बने हैं। और ये जो पर्सन है जिनको हम बोल रहे हैं हायरोफेंट, इसका मतलब जो भी आपसे रीडिंग करा रहे हैं, वो जो पर्सन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से थ्रोन पर बैठे हुए हैं दोनों पिलर्स के बीच में। और दोनों ही जो ये पिलर्स हैं, ये जो पिलर्स हैं दोनों के दोनों, ये बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेट और अपराइट पिलर्स हैं, कोई डेविएशन नहीं है इन पिलर्स में, एकदम सीधे हैं ये पिलर्स। इसका मतलब इस पर्सन की लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी है, और ये जो पर्सन है ये बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है। ये पिलर्स क्या दिखा रहे हैं कॉन्टेक्स्चुअली? आपकी सिचुएशंस इन लाइफ, जो भी सिचुएशन हो, सिचुएशन ए हो या बी हो, ये जो इंसान है जिसकी आप रीडिंग कर रहे हैं, जो आपके क्लाइंट है, आप कहेंगे कि आप हर सिचुएशन को अपनी लाइफ में अच्छी तरह से बैलेंस कर रहे हैं, आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स 100% हैं, नॉलेज आपके अंदर बहुत है, स्टेबिलिटी आपके अंदर बहुत ज्यादा है। अब आप देखेंगे इन्होंने यहाँ पर एक क्राउन पहना हुआ है, इस पर्सन ने यहाँ पे पहना है क्राउन। ये जो क्राउन है, क्राउन किसे पहनाया जाता है? पुराने टाइम में जो क्राउन होता था वो राजा महाराजाओं को पहनाया जाता था। आजकल तो डिप्लोमेसी है, आजकल तो मोनार्की सिस्टम रहा नहीं है, तो इसलिए आजकल हम क्राउन किसे पहनाते हैं? या तो कोई पर्सन बहुत ज्यादा रिच हो, या फिर कोई पर्सन बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिच की बात करती हूँ, अगर मैं मिस्टर अंबानी की बात करूं, तो उनको हम एक पेडिस्टल पर बिठाते हैं, उन्हें हम टाटा रत्न हो गए, ऐसे ही जो ये लोग इतने जो फेमस बिजनेसमैन हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, हम इन्हें एक अलग तरह की रिस्पेक्ट से देखते हैं, क्योंकि इन्होंने पैसा अर्न करके अपने आप को कुछ प्रूव किया है, एक सक्सेस मिली है। और अगर दूसरी चीज में देखूं ना, नॉलेजेबल, जैसे हमारे स्पिरिचुअल गुरुज हैं, फॉर एग्जाम्पल सदगुरु हो गए,
तो जो ये स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं ये कैसे फेमस बनते हैं? पैसों से नहीं, ये अपनी नॉलेज के बेसिस पर फेमस बनते हैं। शायद जो सदगुरु हैं, मुझे नहीं पता उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन पैसे हो या नहीं हो, अगर आपको एक ग्लैंस उनकी मिल जाए आप बहुत खुश हो जाएंगे। तो आपने उनको एक वर्चुअल क्राउन पहनाया है बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज। यहाँ पर क्योंकि हायरोफेंट है, इसका मतलब प्रवचन देने वाले इंसान, तो यहाँ पर हम रिचनेस नहीं नॉलेज को कंसिडर करेंगे। इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा नॉलेज है और इसलिए लोगों ने इस पर्सन को एक क्राउन पहनाया है। आप नीचे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे चाबियां बनी हुई है, मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, ये है सेट ऑफ कीज। दो लोग खड़े हैं नीचे, एक पेडिस्टल है, ये देखिए ये जो पर्सन है ये थ्रोन पे बैठा है एक क्राउन पहन के, और ये पेडिस्टल पे बैठे हैं, और यहाँ पे ये दो लोग आए हैं। ये हो गया हमारे पर्सन ए पर्सन बी। तो दो लोग आए हैं और यहाँ पे चाबी बनी हुई है, इसका मतलब इनके पास जो आपके क्लाइंट हैं उनके पास लोग आते हैं। जरूरी नहीं है ये स्पिरिचुअल गुरु ही हो, बट दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट सो नॉलेजेबल, और जो भी ये बात बोलते हैं और अपने हर तरह की कम्युनिकेशन से ये हर चीज को एक्सप्रेस कर देते हैं। इसलिए ये दो लोग इनके पास आए हैं इनसे नॉलेज मांगने के लिए, अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन मांगने के लिए। तो ये जो कीज है ये क्या दिखा रही है कि ये जो पर्सन है जो आपके क्लाइंट है, प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये ट्रेट्स हैं उस पर्सन के जो आपसे रीडिंग करवा रहे हैं या जिनके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है कोई लेडी पूछ रही है मेरे हस्बैंड के बारे में बताइए, तो आप बोलेंगे आपके हस्बैंड तो प्रॉब्लम सॉल्वर है, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन, लोग उनके पास आते हैं उनसे गाइडेंस लेते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्वर है, ये गाइडेंस देते हैं दूसरे लोगों को, ये सही रास्ता दिखाते हैं, लोग इनकी चरण में आते हैं कि प्लीज मुझे हेल्प कर दीजिए, और ये हर चीज को बैलेंस कर रहे हैं। अब अगर आप इस पर्सन के क्लोथ्स देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए अंदर की तरफ तो इन्होंने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना है, ऊपर से इनके ड्रेस का कलर है रेड, तो इसका मतलब इनकी जो ड्रेस है वो क्या है, व्हाइट फ्रॉम इनसाइड। इसका मतलब कि जो ड्रेस का कलर इनकी बॉडी से टच हो रहा है वो है वाइट कलर। वाइट कलर का मतलब क्या होता है, पर्सन अंदर से इनोसेंट है, नॉलेजेबल है, लेकिन वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन है, वो बहुत ऑनेस्टी से इनोसेंट से काम कर रहा है, कोई कनिंगनेस कोई चालाकी ऐसी चीजें इस पर्सन के अंदर नहीं है। और अगर आप बाहर से देखेंगे कि बाहर से जो इनके कपड़ों का कलर है वो है रेड, इसका मतलब बाहर से कभी कभी ये थोड़ा सा अग्रेशन दिखा सकते हैं, जो भी काम करते हैं जो भी बात बोलते हैं उस चीज में पैशन बहुत है, प्यार भी है इनके अंदर, लेकिन कभी कभी ये अपना टेम्पर लूज कर सकते हैं। बाहर से थोड़ा सख्त दिखाते हैं लेकिन अंदर से बहुत अच्छे इंसान हैं। आप अगर इनके ड्रेस पे ये देखेंगे, ये चीज देखिए व्हाइट कलर का एक स्ट्रिप है और इस पर ये प्लस साइंस बने हुए हैं, ये जो व्हाइट स्ट्रिप है इस पर साइंस बने हैं, प्लस साइंस, ये वाले जो ये प्लस साइंस इनके ड्रेस पे बने हैं ये क्या शो करते हैं, दैट द पर्सन इज वेरी वेरी रिलीजियस। ये जो इंसान है ये बहुत ज्यादा रिलीजियस पर्सन है, ये इंसान बहुत ज्यादा गॉड में बिलीव करता है, गॉड बिलीवर है, गॉड फियरिंग पर्सन है, ये जो काम करेगा राइट और जस्ट करेगा। और अब आ जाते हैं इनके शूज पर, यहाँ देखिए अगर आप इनके शूज को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये जो शूज हैं ये वाइट कलर के हैं, शूज कैसे हैं इनके वाइट हैं, और शूज पर भी ऐसा प्लस का साइन बना है, मतलब टॉप टू बॉटम इनका जो ग्राउंडिंग है जो रियलिटी है ये रूट से जुड़े इंसान है, ये अपनी रूट से ही भगवान से जुड़े हुए इंसान और बहुत अच्छे नॉलेजेबल पर्सन है।
इन्होंने अपने एक हाथ में, ये देखिए, इस स्टिक को पकड़ा हुआ है। ये एक स्टिक है जो इन्होंने पकड़ी हुई है, त्रिशूल जैसी स्टिक है। स्टिक को पकड़ा है मतलब जो ये कहते हैं ना लोग मानते हैं, ये अथॉरिटेटिव है, ये डिसीजन मेकर है। साथ ही साथ ये कार्ड होता है कार्ड ऑफ कमिटमेंट भी। ये जो कार्ड है ये कमिटमेंट को शो करता है। ये लोग बहुत ज्यादा कमिटेड रहते हैं, ये अपने कमिटमेंट में बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहते हैं। अगर शादी के लिए ये अच्छा कार्ड हो सकता है, न्यू बिगिनिंग के लिए अच्छा कार्ड हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ इस कार्ड में एक ही ड्रॉबैक है कि देखिए आजकल कलयुग का टाइम है, क्या होता है, अगर रोज रोज मैं आपको बोलूं कि आप तो बहुत सुंदर है, आपको तो ये भी आता है, वो भी आता है, ऐसा है वैसा है, तो आपको क्या लगेगा, आप उस प्रेज को, उस अप्रिसिएशन को एंजॉय करने लगते हैं। देखिए हर कोई हम में से सेंट नहीं है, हर कोई मंक नहीं है। सेंट और मंक कहने का मेरा मतलब ये है कि हर किसी के जो विचार होते हैं वो इतने प्योर नहीं होते हैं, हर किसी के अंदर वो फिल्टर करने की कैपेसिटी नहीं है कि नहीं चाहे जो भी हो मुझे बहुत ग्राउंडेड और रूटेड रहना है, राइट। हर किसी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती है। इसीलिए हमें इस कार्ड में ये सजेशन देना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है कि आप चाहे कहीं भी पहुंच जाएं, आप चाहे कुछ भी अचीव कर लें, लोग आपको कितना भी कुछ कहें, लोग आपको एक पेडिस्टल पर बिठाएंगे, लेकिन आपके अंदर गुरूर और एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। अगर आपके अंदर गुरूर आया, अगर आपके अंदर एरोगेंस आई, तो ये सारी पॉजिटिविटी आपकी नेगेटिविटी में बदलने लग जाएगी। इसलिए कभी भी हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि नेगेटिविटी, गुरूर, एरोगेंस, इन चीजों से हटिए। इस कार्ड को एग्जैक्टली हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलते हैं, पॉजिटिव है ये कार्ड, लेकिन पॉजिटिव विद सजेशंस। हमें इस इंसान को अच्छे से पहले काउंसिल करना पड़ेगा कि आज आपके पास सब कुछ है, लोग आपकी पूजा कर रहे हैं, लेकिन राजा से रंक और रंक से राजा बनते कभी देर नहीं लगती। इसलिए जो भी चीजें आपके पास है उनका गुरूर अपने मन में कभी मत आने दीजिएगा। जो भी चीजें हैं उनको ऑनेस्टी से कीजिए। लोग सजेशन मांग रहे हैं, दीजिए, लेकिन अपने मन में ये मत सोचिए कि अब तो मैं भगवान हूँ। तो बस इस कार्ड में यही बताना है, कोई बोलता है मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे जरूर कीजिए, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, आप कमिटेड भी रहेंगे, इनफैक्ट आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपसे आके आपसे टिप्स मांगेंगे, और आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो आसपास के लोग हैं ना, वो आपको बहुत पैम्पर करेंगे, लेकिन आपको अपनी मेहनत कंटिन्यू करते रहना है। आपके अंदर हुनर है, आपके पास रिसोर्सेस है, आप सब कर लोगे, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि अब तो मैं भगवान बन गया हूँ या बन गई हूँ, कि अब तो मैं जो चाहो वो कर लूंगी। कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज परसिवियरेंस। इसलिए मेहनत करते जाइए, ये मत सोचिए कि अब तो मैं ही मैं हूँ। जहां पे ये मैं और आई मी माई सेल्फ आता है वहां आप डूब जाएंगे, और जहां तक आप हम्बल होके आगे बढ़ते रहेंगे आपको सक्सेस और प्रोग्रेस मिलता रहेगा। सो थैंक यू सो मच। इस वाले लेक्चर में, इस कार्ड के बारे में मैं आपको यही पढ़ाना चाहती थी, एंड नाउ आई एम गोइंग टू सी यू इन माय लेक्चर नंबर 12। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने सर्कल में जितना हो सकता है इसको शेयर कीजिए, बिकॉज ये नॉलेज है, ये सिर्फ सरस्वती है, नॉलेज है, और नॉलेज को जितना बांटेंगे दूसरों से उतनी ही बढ़ती है। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।